लगता है कि जयराम माथुर डुमरी से निकल पाएंगे? एकदम श्योर निकलेंगे, निकल जाएंगे, अव्वल रहेगी, बेबी दे ही रहेगी। और हमको ऐसा नहीं लग सकता है कि जयराम माथुर के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी सामना कर पाए। बेबी देवी जीत पक्का है। पक्का है 10,000 प्लस वोट से एकदम पक्का। 15 प्लस सीट 15 प्लस लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर जेएमएम और जेएलकेएम आपस में लड़ रहे हैं और केला छाप वाला जो आंसू वाला आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं डुमरी विधानसभा के, जहां मेरा भी घर है भाई, हम भी वोट देने आए। सबसे पहले हम अपना अधिकार जो वो कर चुके हैं, उसके बाद देख सकते हैं यहीं अभी राजकीय जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंचनपुर, बचपन से हम भी यहीं पढ़े थे। उसके बाद ये बूथ नंबर पड़ता है आपका 292, ठीक है। और यहाँ पे अभी मतदान हो रहा है, यहाँ पे प्रत्याशी सब है, तो उसके कैडर सब है, उससे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, या क्या माहौल है वो सारा जानने का प्रयास करेंगे। और एक बार देखिए यहाँ सब माताएं और जेंट्स सभी अपना जो अधिकार है उसको पूरा करने आए हैं, वोट देने आए हैं यहाँ की। तो चलिए पहले इधर, यहाँ पे दो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पे इस बूथ का सिर्फ बात कर रहे हैं। अभी यहाँ वैसा कैडर नहीं मिला है, आंसू का कैडर नहीं मिला है जी, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय डुमरी में हो रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जाके जेएमएम वालों से, उसके बाद इधर जेएलकेएम वालों से, दोनों से बात करेंगे कि क्या है उनका विचार। अभी चलिए एक एक करके पूछते हैं, क्या लगता है आपकी बार जेएमएम यहाँ से? हेमंत दोबारा, यही जान लिए बस। हेमंत दोबारा जी, यानी कि आप बोल रहे हैं सरकार बनेगा हेमंत सरकार जी। और यहाँ जो डुमरी विधानसभा में बेबी देवी प्रत्याशी जेएमएम से खड़ा है, क्या लगता है निकल पाएंगे? एक जान निकल पाएगी, कहीं किंतु परंतु नहीं है, कहीं किंतु परंतु नहीं है जी। कितना वोट से लगता है कि निकल पाएंगे? चाहे जितना वोट से निकलेगा निकलेगी, लेकिन निकलेगा, एक जान निकलेगा, चाहे एक वोट का ही नहीं, हाँ लेकिन निकलेगा, एक जान निकलेगी। अच्छा, तो जेएमएम यहाँ से निकलने का चांस लग रहा है जी? और प्रत्याशी वो सबको क्या लगता है, वो सब निकल पाएगा कि नहीं? टक्कर में है कि नहीं? टक्कर में है कि नहीं? बहुत बहुत हाँ रहेंगे, टक्कर में रहेंगे। देखिए बता रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी बैठता है तो सब कुछ पास होने के लिए बैठता है, कुछ तो फेल होता ही है, एक ही उसमें अव्वल ना आता है, ठीक है? वो तो सही बात, ठीक है, इसलिए अव्वल रहेगी, बेबी देवी ही रहेगी। यानी कि एक वोट से काहे नहीं जीते आपका कहने का मतलब, लेकिन बेबी देवी ही जीतेगी जी। और झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार बनने वाला दोबारा जी, जी जी। तो आप क्या बोलिएगा? वही वाला बोलेंगे, वही वाला। हाँ। आप भी? बेबी देवी जीत पक्का है। पक्का है, और कुछ बताइएगा? 10,000 प्लस वोट से 10,000 प्लस वोट से एकदम पक्का जीत। तो आप 23 तारीख का सबको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा, आने वाला 23 तारीख को ही रिजल्ट। हाँ, ये तो आप लोगों का राय हुआ एक जी, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। तो चलिए इन लोग से जेएमएम वाले से पूछ लिए, तो थोड़ा इधर पार्टी वो सब भी, जो जेएलकेएम का पार्टी है उसको भी पूछ लेते हैं, उन लोग क्या सोचते हैं। चलिए वहीं मिलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जेएलकेएम के जो कैडर साहब है उनसे बात करने कि क्या माहौल है। चलिए इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या लगता है आपकी बार यहाँ से डुमरी से जयराम महतो निकल सकते हैं कि नहीं? पूरे डुमरी विधानसभा में लोगों की, जनता की राय है, परिवर्तन की लहर चल रही है, और हमको ऐसा नहीं लग सकता है कि जयराम महतो के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी सामना कर पाए। अच्छा, जैसे कि यहाँ और प्रत्याशी सब है, वो सब उनको टक्कर देंगे कि नहीं? नहीं, बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। जयराम महतो के टक्कर में कोई भी प्रत्याशी देखने को नज़र नहीं आ रहा है, पूरे उनके परिवर्तन का लहर जो है पूरे झारखंड में लोग चाह रहे हैं, और झारखंड की जनता उन्हें सिर्फ विधायक नहीं सीएम फेस बनाने के मनई में है, उनको सीएम बनाएंगे और झारखंड के विकास के लिए अपना कदम रखेंगे। क्या लगता है 75 सीटों में लड़ रहे हैं जयराम महतो, तो उतना सीट में कितना जीत सकते हैं? अभी तो उम्मीद है कि 74-75 सीट जैसे आप बता रहे हैं, कि दो चार सीट तो है थोड़ा सा कैंसिल हो गया है, अभी सीटिंग में शायद लीडिंग पॉइंट में 74 सीट पर लड़ रही है, उसमें से अभी प्राप्त रुझान के अनुसार कम से कम 15 प्लस सीट आने प्लस लगता है। हाँ, 15 प्लस सीट आने का रुझान मतलब हो सकता है, प्रथम चरण में ही 7-8 सीट का रुझान मैंने मिल चुका है। अच्छा। और अभी जो मतगणना हो रही है आज के डेट में, उसमें भी कम से कम 6-7 सीट का चांसेस है, मैंने 15 प्लस सीट आने की पूरी संभावना है। और लगता है कितना वोट से जयराम महतो यहाँ डुमरी में जीतने वाले हैं? डुमरी में उनको कम से कम
1 लाख प्लस वोट मिलने की पूरी संभावना है। 1 लाख प्लस हो जाएगा, उसमें जीत का अंतर है कम से कम 20-30 हज़ार वोट का जीत का अंतर खूब रहेगा। यानी कि 20-30 हज़ार से वोट हाँ लीडिंग करेंगे तो यहाँ डुमरी से जीतने के चांसेस है। 90 हज़ार वोट तो पहले ही लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें 90 हज़ार वोट जो है उनको मिला था, और 90 हज़ार वोट जो मिला था उनमें कहीं भी उनका फेरबदल नहीं हुआ है उनके कार्यकर्ता में, जहाँ तक वोट में बढ़ोतरी भी हुई थी। और उसमें लोकसभा के चुनाव में 100% पोलिंग जो है MD का मतलब JMM के मैंने मथुरा महतो जो कैंडिडेट थे उसके पक्ष में गया था, और आदिवासी का भी वोट 100% गया था, लेकिन इसमें अभी कुछ रुझान हुआ है। और JMM के भी कार्यकर्ता इसमें बहुत आगे हैं, और उसमें मोदी फैक्टर भी था जिनके कारण CP चौधरी को भी वोट मिला था, इसलिए अभी मोदी फैक्टर इसमें काम नहीं मतलब विधानसभा में काम हो रहा है, इसलिए BJP के और आशु के जो कार्यकर्ता हैं उसका कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25% वोट जो है इनके पक्ष में मिलने का चांसेज है। और अभी आशु का है जहाँ तक लोगों का रुझान है कि निकल नहीं रही, इसलिए उसके पक्ष में लोगों का रुझान अभी बिल्कुल कम ही है। और JMM के यही जैसा कि अभी यही बूथ में हम देखें यहाँ JMM और JLKM का ज़्यादा मतलब लग रहा है, और यहाँ आशु का कम लग रहा है दबदबा। ये आशु का तो यहाँ बहुत नगण्य रहेगा, और हमको लग रहा है JLKM जो है यहाँ 1 नंबर में रहेगी। अच्छा, पहले भी मैंने मतदान जैसे हुआ था उसमें हम लोग पूरे 80% में थे, तो इस सिर्फ हम कंचनपुर बूथ की बात कर रहे हैं। कंचनपुर बूथ में ही हम लोग 80% में रहेंगे। 80% हाँ, 20% में जल आपको आशु और मतलब अदर पार्टी जो है 20% रहेंगे। अच्छा, तो आप क्या बोलते हैं, आप भी आप बताइए क्या लगता है कि जयराम महतो डुमरी से निकल पाएंगे? एकदम श्योर निकलेंगे, निकल जाएंगे। 1 लाख से ऊपर हम लोग निकालेंगे। 1 लाख से ऊपर निकाल दीजिएगा। 1 लाख से ऊपर हम लोग मतदान से इसको एथी करेंगे। कितना अंतर से जीतेगा? कम से कम तो 20-30 हज़ार से ज्यादा रहेगा इन लोग से। अच्छा, ऊपर रहेंगे इन लोग से JMM महाराष्ट्र से। तो JMM वाले भी तो टक्कर में है ना? उन लोग का कोई टक्कर नहीं है, परसबनी पंचायत में हम लोग टॉपर रहेंगे। परसबनी पंचायत में? हाँ, पंचायत में टॉपर रहेंगे। इस पंचायत में भी टॉपर रहेंगे उन लोग, हम लोग के सामने जीरो रहेंगे उन लोग। जीरो रहेंगे उन लोग, 800-900 वोट में सिमट जाएगा, और हम लोग 25-300 वोट हम लोग का रहेगा। वो तो अब 23 तारीख को पता चलेगा कि किसका जीत होगा किसका हार होगा। और क्या लगता है, और जैसे कि यहाँ पे अभी तो आशु का यहाँ कम पता चल रहा है, लेकिन और जगह हो सकता है ज़्यादा आने के चांसेस? नहीं नहीं, हम ही लोग का ज्यादा रहेगा, उन लोग का जो है ना वो कितना उन लोग धन बन लगा ले नहीं कुछ होने वाला। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर JMM और JLKM आपस में लड़ रहे हैं और कैला छाप वाला जो आशु वाला आगे निकल जाए? नहीं निकलेंगे। जैसे कि पिछला बार हुआ था कि इधर इन लोग अपना लड़ रहे थे और वो सब आगे निकल गए। नहीं नहीं, पिछला बार थोड़ा हम लोग भी मदद कर दिए थे, इस बार नहीं। इस बार सिर्फ केची चलेगा। क्या लगता है? यही लगता है कि जयराम महतो पूरा फुल फॉर्म से जीतेगा। जीतेगा? आप क्या बोलते हैं दादा, आप बुजुर्ग हैं, बताइए। जयराम महतो तो निकल रहा है कम से कम 30-35 हज़ार से आगे। 30-35 हज़ार से आगे वोट से जीत रहे हैं। हाँ, चलिए अब 23 तारीख को हम बताएंगे और दिखाएंगे लाइव भी कि क्या कौन जीतने वाले, उस सारा डिटेल आपको 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज का जो वोटिंग दूसरा चरण वाला था, आप लोग बताइए कि कमेंट में कि कौन सा पार्टी जीतने वाला है, कितना वोट से जीतने वाला है, वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए।